के बाजू भी इनको ठेकेदार दिख रहे हैं। आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर चल क्या रहा है? हर एक एम्प्लॉई जो है अपनी सैलरी के लिए जब तक प्रमोशन नहीं करता तब तक उसकी सैलरी जो है उसको की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर पांच महीने की सैलरी को, पांच महीने की सैलरी को हमारे बच्चों का फ्यूचर, पांच महीने की सैलरी को, पांच महीने की सैलरी को दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। प्रेस हमारे कवरेज करने के लिए आए हैं। हम पिछले 25 दिनों से कंटिन्यू 45 डिग्री गर्मी में यहाँ बैठे हैं प्रोटेस्ट के लिए। चार महीने की हमारी सैलरी देने के लिए नहीं आ रही है। कंटिन्यू आज पांचवा महीना स्टार्ट होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद। इसमें चाहे डेली वेजेस और दो डिमांडे हैं, एक तो चार महीने की सैलरी और डेली वेजेस जो पिछले अप्रैल से निकला है, अप्रैल से निकला वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है 300 के रेट के हिसाब से, वो अभी तक नहीं मिला इम्प्लीमेंट नहीं, वो सब डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट हुआ मगर जेकेपीसी की मैनेजमेंट ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। मुझे बताइए किसको शौक है 45 डिग्री? 1965 में कॉर्पोरेशन बनी हुई है तब से लेकर ठीक चल रहा है। क्या वजह हो गई कि पिछले 6 महीनों में इसको ऐसी बर्बादी हो गई? जब सब ठीक चल कॉर्पोरेशन नंबर 1 पे थी जम्मू एंड कश्मीर में जेकेपीसी, इसको कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि इसको ऐसी हालात नौबत आ गई? हमें इसको भीख नहीं मांग रहे, अपने बच्चों का हक मांग रहे, बुनियादी हक कि आया हमारे बच्चों का जो बुनियादी हक है वो हमें दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे सुकून से नहीं आ रहे हैं, बच्चों को सुकून से निकाला जा रहा है। 85% लोगों ने लोन लिया है, नोट्सों पे नोट्स आ रही हैं। मुझे बताइए और बदकिस्मती है आज 25 दिन हो गए हमें सरकार पे बैठे हुए, मैनेजमेंट का कोई भी आदमी खैर खबर लेने के लिए हमारे पास नहीं बात करने की कोशिश की। हमने तो इनको कहा हमारे पास दामन फैलाया कि आइए दरवाजे खुले हैं बातचीत कीजिए, मगर मैनेजमेंट का समस्या देखो पांचवा भी जा रहा है। कल हमारी बातचीत हुई मगर वो पॉजिटिव दिशा में नहीं गई, लेकिन वो हमें नहीं दे दिशा में नहीं हुई हमारे पास जो हम डिमांड कर रहे थे वहाँ से उन्होंने डिमांड रखी कि मेरे पास उधर दो तबके का 20 वर्कर और वो पोस्ट परफॉर्मेंस 20 वर्कर देना चाहते हैं, डेट मीनस जो यहाँ मुलाजिम ठेकेदार उनको देना चाहते हैं, यानी कि डेट मीनस वो उनका घर पालना चाहते हैं, मगर जो वर्कर हैं जो मेहनत करता है उसकी उनको फिक्र नहीं है, उनकी फैमिलीज के पेरेंट्स का फिक्र नहीं है, मगर उनको बचाओ आई वॉश जो उनके पैर खो है उनको पालना चाहते हैं। और मुझे बताइए मेरा शौक नहीं है कि मेरा वर्कर कोई बेकार मेहनत कर अपने खून पसीने की कमाई से गवर्नमेंट ने हमें कोई ये बेटरी सपोर्ट नहीं है। हम 85% गवर्नमेंट के मुलाजिम हमारे पास है, चाहे वो डेप्टेशन का इंजीनियर है, फाइनेंस का है, अकाउंटेंट का है, इंजीनियर है, हम उनको यहाँ से सैलरी देते हैं। गवर्नमेंट हमें एक पैसे की मदद नहीं करती है, हम सारा कुछ प्रॉफिटेबल थी। क्या वजह है मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है कि आज जेकेपीसी का मुलाजिम सड़क पे बैठा हुआ है पिछले 25 दिनों से अपने बुनियादी हक के लिए लड़ रहा है? क्यों लड़ रहा है? हम उसका बुनियादी हक नहीं दिया, ऐसे हैं फंड, मगर बदकिस्मती मैनेजमेंट हमें कह रही है कि ये हम जी पहले में 20 वर्करों को देना चाहते हैं, ठेकेदार को देना चाहते हैं। क्या आया
ठेकेदार उनके लिए खैर खा है, मगर हम कुछ नहीं है, हमने काम किया है। अगर मैनेजमेंट हमें कहते हैं कि आपका ड्यू नहीं है, हम हट जाएंगे स्ट्राइक से, क्या हम ड्यू पे नहीं है, हम काम करने वाले नहीं है? आप देखिए जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट है, ये जेकेपीसी की देन है, जेकेपीसी ने बनाई हुआ है अपनी मेहनत से। मगर आज जेकेपीसी जो अवार्ड किए हैं, जेकेपीसी ने अवार्ड किए हैं, आज वही जेकेपीसी का मुलाजिम सड़क पे, ये बदकिस्मती है हमारी। मैं बात करें माननीय मनोज सिन्हा जी का बहुत शुक्रगुजार हूं, वो इस चीज को ले रहे हैं बड़े गंभीर से, मगर रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज वर्करों को देखिए, 25 दिन पे बैठे हैं, आप रिक्वेस्ट है एलजी साहब प्रशासन से कि आप मैनेजमेंट को कहिए कि वर्करों की जो सैलरी है उसको फिर वो रिलीज कीजिए। जो वर्कर सड़कों पे बैठा है पिछले 25 दिन से, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी से कि प्लीज हमारा क्या कसूर है, हमने कौन सी खता की है कि आप लोग ने हमारी तनख्वाह, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके अगर हमारी तनख्वाह रिलीज नहीं हुई, ये स्ट्राइक नहीं उठेगी, ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक ना हमारी सैलरी रिलीज हो और डेली वेज का ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना हो, तब तक ये स्ट्राइक नहीं उठेगी। बिल्कुल लगातार प्रदर्शन नहीं किया, और ये मैं सोचता हूँ कि हमारे मैनेजमेंट की कमी है, इसीलिए उनकी वजह से हमारा खुद कोशिश कर रहा है। बातचीत करेंगे कहना चाहते हैं कि हमारी 5 महीने 22 दिन रेस्ट पे बैठे हुए, हमारी सैलरी नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज नहीं कर रही, उनके पास पैसे नहीं, लेकिन वो ठेकेदार हम बड़ी मुश्किल से जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप साफ तस्वीरें आप देखते हैं कितनी जो सर, सताईस दिन के बाद उनको कल हमारी याद आई। मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि हमारी याद उनको नहीं आई, उनको ठेकेदारों की याद आई। मुझे बताइए 5 बजे कौन सा टाइम है ऑफिस का आने का, वो भी 28 दिन के बाद। ना तो हमारे एफसी साहब, वो तो 28 दिन के बाद एमडी साहब तो आए हैं, लेकिन जो हमारे फाइनेंस को चला रहे हैं वो आज तक नहीं आए। उनका स्विच भी ऑफ आ रहा, तब से स्विच ऑफ आ रहा, पता नहीं है भी है कि कहाँ चले गए, कोई पता नहीं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ टाइमिंग कौन सी है 5 बजे ऑफिस के आने की। 4:30 हमारे ऑफिस का टाइम है, सुबह 10 बजे लेके 4:30 तक, और ये 5 बजे इधर आ रहे हैं,
और जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो उनके सामने ठेकेदारों की लाइन लगी हुई है, ठेकेदार ही दिख रहे हैं उनको, अपना मुलाजम नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या बात है, उनके साथ इतना प्रेम क्यों है, हमारे साथ प्रेम क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठेकेदार को पैसा मत दो, वो भी हमारे भाई हैं, अगर कारपोरेशन की एक बाजू वो है और एक हम है, एक बाजू को क्यों काट रहे हैं, मुलाजिम को क्यों काट रहे हैं, आपको उनके बच्चे दिख रहे हैं, ठेकेदार दिख रहे हैं, क्या आपके जो छोटे जो फैमिली यहाँ पे बैठी है क्या आपको इनके बच्चे नहीं दिख रहे हैं, इनके हमारे बच्चों को नोटिस पे नोटिस स्कूल से आ रहे हैं, इनको हम निकाल रहे हैं, आपकी फीस 5 महीने से 4 महीने से नहीं आ रही, हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है सर, हम आपके माध्यम से एलजी साहब को यही बताना चाहते हैं, हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ दो ही डिमांड है, 4 महीने की सैलरी दो और 9,000 रुपया जो आपने एलजी साहब ने खुद हमारे हर एक डिपार्टमेंट को लागू किया था, पर इनको ये 9,000 रुपया दिया जाए पर महीने का डेली वेज, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट आज तक ये लागू तक नहीं हुआ, टाइम से आपको ये नहीं मिला और इसके बारे में पहले सर अप्रैल से मेरी बात से लागू अप्रैल महीने से लागू हुआ है, हर डिपार्टमेंट उनको मिल रहा है, तब से हमें कुछ नहीं, ना पे मिल रही है अप्रैल महीने से, ना हमें ये ऑर्डर लागू हुआ है, पता नहीं कौन सा हमारे साथ हमें से क्या गलती हो गई है, क्या नहीं, एमडी साहब क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में कोई पता नहीं, और हम इतने देर से इधर स्ट्राइक पे बैठे, आज तक एमडी साहब हमारे सामने गर्मी में ये नहीं पूछा है कि आप गर्मी में इधर क्या कर रहे हो, हमारे बीच में आओ, नहीं बिल्कुल नहीं आए, उनको सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार दिख रहे हैं, उनके बच्चे दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, जो कि स्कूल से निकाले जा रहे हैं, हमारे बीच में हमारे दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे 2-4 मुलाजम 2 जम्मू के 2 कश्मीर के इसी हड़ताल में उनकी डेथ हो गई है, एक डेली वेज रहा था जम्मू में, एक परमानेंट था, वो किसकी वजह से, पे की वजह से, वो अपनी पे की वजह से, पैसों की वजह से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, सब लोग सुसाइड किया उन्होंने बेचारों ने, उनके जिस बंदे को दवाई नहीं मिलेगी, दवाई के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, उनके माता पिता, अब उसके माँ बाप पिता बेचारे बुजुर्ग है, खुद को यंग ही चला गया, उसको पता नहीं क्या कैसा बीमार हुआ, ऊपर वाले ने कौन सी बीमारी लगाई बेचारे को, हमें छोटी बुजुर्ग चला गया, हम एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलेंगे हमारी दो ही डिमांड है कि हमारी 4 महीने की सैलरी छोड़िए और हमारा ये 9,000 रुपया डेली वेजरों का लागू करिए और पे दीजिए 9,000 के हिसाब से, तभी हम ट्रस्ट तोड़ेंगे, वरना हम ये ट्रस्ट कंटिन्यू चलता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे लगातार ये प्रदर्शन जो है एम्प्लॉइज कर रहे हैं, हालांकि बात करें पूरा दिन भर जो है ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो सैलरी इसके बाद आती है अपने हक की बात आती है, आपको प्रदर्शन भी करना पड़ता है इतनी कड़ी धूप में, इस टेम्परेचर में जो है ये तमाम जो अधिकारी है यहाँ पर, जो एम्प्लॉयज है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, अपनी मांग को लेकर जो प्रदर्शन सैलरी या उनका हक या अधिकार नहीं होता। हालांकि आपका क्या कुछ कहना है, आपकी राजनीति को हमेशा खुले रखिएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर ये चल क्या रहा है, यही लगता है कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश। फिलहाल इतना ही जुड़ रहे हैं आप सचिन नेटवर्क के साथ।